तो हेलो प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, यही हम भगवान से कामना करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा इस चैनल A7 के ब्लॉग 09 पे तकरीबन 45 अराउंड डेढ़ महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि इसका रीजन था मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा लेफ्ट साइड का जो पैर है वो डैमेज हो गया था। क्योंकि आपको पता है मैंने बनाया था जिस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी एक बार रिव्यू कर दूं कि एक मार्च को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद मैं गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, उन्होंने बोला कि इसका पैर का प्लास्टर करना पड़ेगा। फिर मैंने प्लास्टर करवाया, मैक्सिमम 45 डे रहने के बाद, प्लास्टर रखने के बाद आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे प्लास्टर का फोटो दिखता होगा। और मैक्सिमम 45 डे रखने के बाद कल रात को मैं गया था और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा वो प्लास्टर कट गया। काटते हुए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया। उसके बाद में प्लास्टर कटने के बाद मेरा फीलिंग, क्योंकि जब प्लास्टर था उस टाइम मेरे पैर प्लास्टर के अंदर इतना खुजली हो रहा था, जब मैं बाहर निकल रहा था तो धूप के वजह से उसके अंदर पसीने आ रहे थे, पसीने से वो उसके अंदर जो कॉटन होते हैं वो कॉटन गीले होते थे और गीले होने के बाद उसके अंदर खुजली हो रही थी और मैं खुजा नहीं सकता था, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद कौन सा खुजाता है, वैसे प्लास्टर लगने के बाद कैसे अपन उसके अंदर खुजा सकते थे, बहुत दिक्कत होता था। उसके बाद में जब प्लास्टर कटा, प्लास्टर कटने के बाद कैसा है कि जब बच्चे होते हैं, बच्चे से धीरे धीरे आदमी का एज होता है तो अपना स्किन जो है वो हमेशा झड़ता रहता है, स्किन का जो चमड़ी है हमेशा निकलता रहता है। तभी तो आदमी बच्चे से लेके ऊपर होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है क्यों, क्योंकि हमेशा अपना स्किन थोड़ा थोड़ा झड़ता रहता है। वो 45 डे में जो हमारा लेग्स का, हमारा लेफ्ट साइड का जो पैर था उसका स्किन झड़ा, वो सब उसमें इकट्ठा हो गए थे। हमारे जो बाल थे जो हमेशा रिसाइकल होता रहता है और टूट के फिर नया आता है, वो भी उसमें जमा हो गए थे। जब मैं प्लास्टर कटाने के बाद घर पे आया, घर पे ऐसे ऐसे पैर को मैंने 2-4 बार ऐसे किए, उसमें से इतने बाल जो मेरे पैर में मैक्सिमम 300 से 400 मेरे पैर के बाल थे वो सारे गिरे। स्किन जो थे, जो डेड सेल्स थे, मेरा स्किन था वो सारे नीचे पे गिरे।
और मैंने इसे निकाला। उसके बाद में जहां जहां आपको मैं दिखाऊंगा ये वीडियो, आप ये मेरा वीडियो देखिए प्लास्टर कटने के बाद, और उसके बाद में आपसे बात करता हूँ प्लास्टर कटने के बाद नेक्स्ट डे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना घुटना प्लास्टर कटने के बाद, एक दिन के बाद का ये घुटना है। इसको मैंने स्क्रीन वगैरह किया है, बॉडी लोशन वगैरह लगाया है। तो ये जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट करके, ये सारे डॉट्स जो है ये जो मेरे स्किन के बाल है उसके निकलने का है। तो यहाँ पे मेन मेरा घुटनी के पास यहाँ पे डैमेज थे, यहाँ यहाँ नी के पास यहाँ पे अभी स्वेलिंग है। दूसरा घुटना देख लीजिए और ये वाला घुटना देख लीजिए, यहाँ पे अभी भरपूर स्वेलिंग है। ये धीरे 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 स्वेलिंग डाउन हो जाएंगे। ये सारे देख रहे हैं मेरे जो बाल थे वो सारे बाल का है और ये सारे बाल झड़ गए इसमें। तो आपने वो देखा वीडियो कि प्लास्टर कटने के बाद मेरा पैर का क्या हालत है, और अभी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आप ज्यादा पैर को ऐसा मूवमेंट नहीं करना है, तकरीबन 10 to 15 days आपको धीरे 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 अप डाउन करना है। उसके बाद में धीरे 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 उस पर लोड डालना है, झटके से नहीं डालना है, नहीं तो मांसपेशियां में आपका हड्डी में तकलीफ हो सकता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन जैसे एक नॉर्मल आदमी चलता है उस टाइप से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहले से बहुत अच्छा है। अभी तो दर्द वगैरह होता नहीं, जब टूटा था उस टाइम तो बहुत पेन हो रहा था और अभी उतना पेन होता नहीं है। जब जाता है एक पॉइंट से ऊपर उठाता हूँ लेग्स तो दर्द होता है। डॉक्टर ने बोला अभी सूजन रहेगा और जब आप चलोगे तो थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे अराउंड 10 days 10 दिन में आपका वो सारे रिकवरी हो जाएगा। तो अभी मेरा पैर का हालत ठीक है, बेहतर है, अभी मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ और 10 दिन में वो सारी रिकवर हो जाएंगे। फिर मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। और बस यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। जैसे मेरा पैर बढ़िया हो जाएगा मैं आपको बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग और मंदिर का टेंपल्स का वगैरह ब्लॉग बना के दूंगा। पुणे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। जिस टाइम मेरा ये चैनल स्टार्ट किया था और मैं ज्यादा उस पर एक्टिव नहीं था इस चैनल पे, जब एक्टिव हुआ तो 2-3 ऐसे ब्लॉग बनाए टेंपल्स का। उसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद तो ऐसे ही 45 days चले गए। लेकिन अब भगवान की दुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, आप सभी का आशीर्वाद है मेरे सारे व्यूवर्स का। मेरा प्लास्टर अभी रिमूव हो गया है, प्लास्टर हट गया है पैर से। तो देखते हैं और जल्दी से जल्दी 10 दिन में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग वीडियोस कॉमेडी फनी, उसके बाद में टेक्नो जो भी है वो सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिए गाइस की सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।